जो है ना यार पिशावर के कोई कदीम उसमें म्यूजियम म्यूजियम में आए हुए हैं। ये आपका भाई जो है ना फैसल मोस्ट का आया है यहाँ के कुछ ऐसे सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आपको पाकिस्तान मोनूमेंट लेके आया हूँ तो फिर अब यहाँ के तो व्यूज़ लिया यहाँ का तो व्यूज और ही है भाई। तो स्मोक के नीचे आ गया भाई मतलब ये फॉग नहीं है ये बादल हैं। ये देखो यार चीज़ें तो बहुत टाइट पड़ी हुई हैं। टाइम 11:30 हो रहा है लेकिन ये मौसम चेक करें आप। अस्सलाम वालेकुम क्या हाल चाल है उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। दरअसल कल नालान से निकलते हुए मैंने ब्लॉग एंड किया था तो आज पेशावर में हूँ तो नालान से मैं पेशावर आ गया था तो पेशावर से ब्लॉग स्टार्ट करता हूँ। तो आज का ब्लॉग ही बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज पेशावर आप लोगों को दिखाऊँगा घुमाऊँगा आगे भी ले चलूँगा यहाँ से हम लोग जो भी सीन होता है मैं आपको दिखा करूँगा। लेकिन पेशावर मैं लाइफ में फ़र्स्ट बार जो भी सिटीज़ नान लाइफ में पहली दफ़ा गया हूँ और ये पेशावर लाइफ में पहली दफ़ा गया हूँ। पेशावर का सिर्फ नाम सुना था लेकिन आज पेशावर में हूँ सो दिस इज़ इंटरेस्टिंग। तो अभी देखते हैं क्या सीन होता है। तो जुम्मे आज जुम्मा है तो जुम्मे की नमाज़ पढ़नी है तो लेट्स गो जुम्मे की नमाज़ पढ़ने चलते हैं फिर जो भी होगा उसको करते हैं। सो वेलकम बैक टू मोहम्मद बासिल। मुझे इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं था कि पेशावर में इतनी गर्मी होगी लेकिन बहुत ज़्यादा गर्मी है भाई समझ में कुछ नहीं आ रहा। अभी हम लोग मस्जिद जा रहे हैं और ये पेशावर की कोई मार्केट वगैरह है तो हम लोग वहीं जा रहे हैं तो फिर आगे चल के जो भी होता है फिर नमाज़ पढ़ते हैं फिर जो भी हो वो करेंगे। A few moments later. अभी ये नमाज़ पढ़ के हम लोग आ चुके हैं तो अभी यहाँ से जो है ना यहाँ से देखते हैं क्या सीन बनता है। शिव पहले भी साथ आए थे अब उनके पास जाना तो ये रहा। अभी नमाज पढ़ने के बाद हम लोग शायद पेशावर की मार्केट जाएँ या यहाँ से चले जाएँ कुछ भी बन सकता है सीन क्योंकि देखते हैं जो भी होगा मैं आपको बता दूंगा। अभी तो फिलहाल मार्केट के अंदर घुस रहे हैं फिर जो होगा वो मैं आपको दिखा दूंगा ठीक है ना। तो पेशावर बहुत वही कहा जाता है कि पेशावर बहुत कदीमी शहर है तो बिल्कुल बात ही है लगता भी है देख के क्योंकि यहाँ की जो भी इमारत हैं वो बहुत ही पुरानी लगती हैं तो देख के मतलब थोड़ा सा मज़ा आ जाता है तो मैं आपको भी चलते हैं। यहाँ पर आपको लस्सी बहुत सारी मिलेगी भाई लस्सी और ये जो है ना इनका कोई रोड है यहाँ पे बाड़ा मार्केट है इसके बिल्कुल बराबर में तो ये इनके जो है यहाँ पे कुल्फ़ी फालूदा ये सब लस्सी वाले बहुत हैं। यहाँ पे आपको मैंगो और मीठी लस्सी स्ट्रॉबेरी लस्सी मलाई पनीर लस्सी सब लस्सी मिल जाएगी यहाँ पे। तो इनके बनाने का तरीका देखें अला कौन कौन सी लस्सी है मीठा नमकीन मैंगो वाला नहीं है मैंगो वाला है वो कितने का है। हाँ 250 का है अच्छा तो इनका ये वही इनके पास बहुत सारी लस्सी हैं। अभी हमने एक ट्राई करेंगे मीठी बनवाई है फिर एक ट्राई करेंगे फिर जो है ना आगे अभी देखो बना किस रहा है। लस्सी पी के देखते हैं क्या सीन है कैसी है तो मैं बताता हूँ आपको। आदिल अच्छी है बहुत अच्छी है इतनी पिज़्ज़ा झाग है ना तो मूछें लग जाती हैं तो फिर मूछों पे लग जाती है तो अच्छी है बहुत मज़ा आ गया। और आप भी कभी पेशावर आए तो यहाँ ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये कौन सी जगह है लाला ये कौन सी जगह ये है? अच्छा वो यही सारे जो है ना फुहारा चौक है यहाँ पे आके बहुत सी लस्सी वाले आपको मिल जाएंगे और ये फालूदे वाले मिल जाएंगे तो आते साथ ज़रूर ट्राई कीजिएगा ठीक हो गया। फिर आगे चल के मैं आपको बताता हूँ। A few inches later. जो है ना यार पेशावर के कोई कदीम उसमें म्यूजियम में आए हैं। ये तो कोई म्यूजियम नहीं है डायरेक्टर ऑफ आर्काइव्स एंड लाइब्रेरी ये लाइब्रेरी लगती है मुझे। हाँ ये लाइब्रेरी है पेशावर की और जो म्यूज़ियम है वो ये रहा पेशावर का। लेकिन यार ये तो बंद है हम लोग इतना घूमने आए हैं यहाँ पे लेकिन उन्होंने तो बंद किया हुआ है ये गेट तो बंद हुआ हुआ है फिलहाल देखें खुलता है नहीं
खुला हुआ है, खुला हुआ है, बंद है यार, अंदर नहीं जाने देंगे। क्यों? फैमिली आई हुई है यार। बंद है, आज ऑफ है, जुम्मे पे ऑफ होता है, कब खुलता है फिर? अच्छा तो यार ये बंद है, अभी जाने नहीं दे रहे अंदर, लेकिन म्यूजियम ये रहा, लेकिन ये अभी पिशावर का म्यूजियम है। लेकिन खैर अभी हम लोग यहाँ से आगे जाएंगे लाहौर की तरफ या इस्लामाबाद की तरफ, देखते हैं। लेकिन ये अंदर जाने की बड़ी ख्वाहिश थी कि पिशावर म्यूजियम ऐसा है क्या, लेकिन देख नहीं पाए। लेकिन जुम्मे के दिन बंद होता है, अब किस्मत में तो यही लिखा था, लेकिन वो अंदर जाने नहीं दे रहे, फैमिली के साथ नहीं जाने दे रहे। म्यूजियम तो नहीं खुला, लेकिन यहाँ के लोग बहुत अच्छे लगे यार, आपको बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। इन्होंने बहुत कोशिश की यहाँ हमें अंदर जाने के लिए, लेकिन इनको आगे से जो है ना मना किया गया, आगे लाइव कैमरा लगे हुए, तो इस वजह से हम लोग नहीं जा पाए। तो यहाँ के लोग शहर के बहुत अच्छे लगे मुझे, बहुत ही मैं जो है ना एक मोटिवेट हुआ इनसे, इंस्पायर हुआ मैं उनसे बहुत इंस्पायर हुआ, तो मुझे बहुत मज़ा आया। अब फिर कभी ज़िंदगी में घूम लेंगे इंशाल्लाह, लेकिन अभी तो खैर वो नहीं था, तो चलते हैं अभी आगे। आपका भाई जो है ना फैशन मॉस का आया है यहाँ के कुछ ऐसे, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, ये है यहाँ का व्यू कुछ ठीक है। तो अभी मैं आपको ऊपर भी लेके चलता हूँ ऊपर, अभी चप्पल उतारूँगा ऊपर, मैं लेके चलता हूँ आपको, वहाँ भी दिखाता हूँ अंदर के। अरे यार इन्होंने जो है ना अभी अंदर से बंद कर लिया, जब मैं पहले आया था ना तो पहले यार इन्होंने खोला हुआ था, अभी इन्होंने पता नहीं क्यों अंदर से बंद किया हुआ है। इन्होंने इस बार बंद किया हुआ है पता नहीं क्यों, लेकिन मैं जब पिछली बार आया था ना तो मैंने यहाँ पे नमाज ही पढ़ी थी असल में, तो अभी इन्होंने अभी बंद किया हुआ है यहाँ से दरवाज़ा, पता नहीं क्यों, उसकी भी कोई वजह होगी। लेकिन मैंने पिछली बार यहाँ पे अंदर आके सर की नमाज़ पढ़ी थी, मुझे अच्छी तरह से याद है, सर्दियों में दिसंबर में। तो यार चलो कोई नहीं, फिर कभी दिखा देंगे यार, लेकिन यहाँ के अंदर के थोड़े यही जो है ना मनाजिर हैं। आपको पाकिस्तान मोनूमेंट लेके आया हूँ, तो फिर अब यहाँ के तो व्यूज़ लिया, यहाँ का तो व्यूज और ही है भाई। लेकिन मैं दो तीन बार आ चुका हूँ यहाँ पे, मतलब कई बार आ चुका हूँ, अभी इसी वक्त ही, मतलब एक बार शाम हो गई थी और एक बार रात हो गई थी, और अभी भी शाम ही हो रही है। तो ये सामने एक म्यूज़ियम है, अगर अंदर कैमरा यूज़ करने देते हैं तो मैं अंदर जाऊँगा, लेकिन ये मोनूमेंट है, मैं ऊपर भी जाके इस्लामाबाद के सारा जो मंज़र है वो मैं दिखा दूँगा। और बहुत ही मुझे तो भाई, मैं जब भी आया हूँ ना तो मुझे ये जगह बहुत पीसफुल लगी है, तो फिर आपको भी लगेगी वो, उम्मीद करता हूँ। लेकिन पेशावर से इस्लामाबाद बहुत ही करीब था, इतना मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था, लेकिन बहुत ही करीब है यहाँ पे। तो अभी यहाँ से लाहौर जाना है, तो फिर आगे तो बहुत ही थक जाएंगे, तो फिर जो भी होगा तो आप तो देखते ही जाएंगे। तो फिर बस जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दें, और इस वीडियो को शेयर कर दें, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, तो फिर आगे का माहौल मैं आपको दिखाता रहूँगा। तो चलते हैं।
की हम लोग, पर तफरी आई भाई, बड़ा मज़ा। आप लोगों ने देखा होगा लेकिन बहुत मज़ा आया, लेकिन यहाँ तो और ज़्यादा मज़ा आ रहा है लेवल। मरी हिल्स तो अभी होटल चलते हैं भाई, चले होटल, सुबह में आ जाएंगे फिर। तो सुबह में आके आगे वो सामने लिखा हुआ है आई लव मरी, दिख रहा है, दिखाता हूँ ये, ओह दिख रहा हो आप लोग। खैर गोलगप्पे पड़े हुए, लेडीज लोग आ जाए यहाँ पे खापा करने के लिए, जो भी लेडीज देख रही है गोलगप्पे वो है। आप लोगों के मुंह में तो पानी आ रहा होगा, जो भी लेडीज लोग हैं। तो अभी चलते हैं होटल पे, जो भी होता है करते हैं, अभी तो सोने का सीन बनाते हैं, फिर जो कल होगा वही करेंगे। सेट हो गया आदिल? ओके ओके, फिर वहीं पे ही करेंगे सब। तो अभी चलते हैं। A few moments later, लोग जो ना घूम फिर के वापस होटल जा रहे थे, लेकिन यहाँ पे तो स्मोक ही नीचे आ गया भाई। मतलब ये फॉग नहीं है, ये बादल है। हमने लोगों से पूछा कि ये बादल नीचे आया थे, मतलब फिर मज़ा आ गया। तुझे कैसा फील हो रहा है पाशा, है ना? मैं तो भाई, मैं नारायण तो फिर बोलते हैं ना, चलो नारायण की एक अपना लेवल है, लेकिन मरी का एक अपना लेवल है भाई। मरी हिल्स यहाँ का अपना लेवल है पाशा। सिंडिकेट चेक करो, माल रोड, वेरी इंटरेस्टिंग ब्रो। चले होटल चलते हैं बस, चल अब सोने का टाइम हो गया, ब्लॉग भी एडिट करने पड़ते हैं ना, तो फिर चलते हैं अभी होटल पे, तो सीधा वहीं चलते हैं, ठीक हो गया? तो लेट्स गो। जाते जाते मतलब मैंने सोचा कुछ खा लेते हैं, फिर वो जो ना एक ख्वाहिश रह जाती, तो रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। नहीं नहीं, सोके सोके, कुछ खाया नहीं रात में। है भाई, हाँ हाँ डाल दें, दही तो और ठंडी होती है, और जब ठंड में ठंड खाएंगे तो फिर और मज़ा आ जाएगा। सोचा चना चाट ही खा लेते हैं, रात के वक्त पूरे, लेकिन चना चाट खाना सी क्या होता है, इसके खाने के बाद क्या होता है, धुआं निकल रहा है भाई। ये सीन है ब्रो, ये सीन है, ये मतलब ये नहीं समझना कि कैमरा ब्लर है, कैमरा ब्लर नहीं है ये, यहाँ पे ऐसा माहौल है, माहौल बनाने आता है तो फिर यहाँ पहले ऑलरेडी बना हुआ है, तो बस ये खाएंगे तो और ज़्यादा माहौल बन जाएगा। तो दिखाता हूँ मैं आपको, खाते हैं फिर जाएंगे होटल, अभी नहीं, अभी खाने के बाद जाएंगे, तो फिर चलते हैं। The next morning. तो भाई रात जो है ना, मैं आते साथ सो गया था, तो अभी मैं सुबह उठा हूँ, और आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि यहाँ 11:30 हो रहे हैं, टाइम 11:30 हो रहा है, लेकिन ये मौसम चेक करें आप, ये मौसम है मरी का। मतलब ये फीलिंग्स तो मुझे समझ में नहीं आ रही, तो मैं चिल्ला है कि महीने में इतनी सर्दी में खड़ा हुआ हूँ, और ये सीन है यहाँ के, अभी तो बहुत ज़ोर की बारिश हुई है यहाँ पे, मैं दिखाऊंगा आपको भी, लेकिन बहुत ज़ोर की बारिश हुई है यहाँ पे, मैं तो मतलब यहाँ का भाई मज़ा ही आ गया। अभी जो है ना यहाँ पे बारिश बिल्कुल बताई जा रही है इसमें वेदर फोरकास्ट में कि नॉन स्टॉप चलेगी, तो इस वजह से हम लोगों को निकलना पड़ रहा है, क्योंकि हम लोग एहतियाती तदाबीर शुरू से इख्तियार करते हुए आ रहे हैं, तो इस वजह से हम लोगों को इस चीज़ का ख्याल रखना पड़ रहा है। तो अभी जो है ना आप देख रहे हैं ये मौसम यहाँ का, बिल्कुल ही यार प्यारा व्यू था, बिल्कुल मुझे मज़ा आ गया। अमर जी, हाँ तो ये मेरा भांजा है भाई, ठीक है? तो फिर जो है ना बहुत यहाँ पे इंजॉय किया, रात में तो और इंजॉय किया, लेकिन अब सुबह हो गई है, तो सुबह भी नहीं होगी, हाँ सुबह ही कह लूँ, लेकिन 11:30 हो रहे हैं, लेकिन ये व्यू है। फिर यहाँ से हम लोग निकल रहे हैं आगे के लिए, तो फिर आज जो होगा तो मज़ा होगा, चलते हैं।
भी जो भी टूर पे निकल रहा है तुम लोगों में से, जो भी आप लोगों में से कोई भी जो है टूर पे जा रहा है तो स्टे अगर मुल्तान में कर रहा है तो मैं आपको ये बता देता हूँ, मिना होटल बस अड्डे के पास, मोटर से जैसे उतरेंगे ना आपको बिल्कुल पता चल जाएगा, आप सर्च कर लें आपको पता चल जाएगा। तो इस होटल में स्टे करें और बहुत सस्ता टिकाऊ और बहुत ही अच्छे रूम है। तो फिर आप लोगों को मैंने आप लोगों को बताना पड़ेगा, इंशाल्लाह मिलते हैं फिर। अल्लाह हाफिज़।